NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है. मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और मेरे साथ हैं सीतामढ़ी के चर्चित नेता, अब सांसद भी बन गए हैं पिंटू जी. आप बताइए, बड़ी लड़ाई थी कांटे की, RJD के उम्मीदवार कह रहे थे 5 लाख वोटों से जीतेंगे, आपने हरा दिया इतनी बुरी तरह से, कैसे? देखिए, चुनाव बीत चुका है परंतु उस पर नहीं कुछ कमेंट करना चाहिए. फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो RJD के उम्मीदवार थे उन्हें पूरे सीतामढ़ी में एक पोस्टर लगवाया था. पूरे बिहार में लोग जानता है मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश जी को विकास पुरुष. हाँ, वो अपना एक पोस्टर लगाए थे महाविकास पुरुष. हम लोग पहला बार ये शब्द जाने कि विकासो पुरुष में महा होता है. वो एक टर्म रहे जरूर सीतामढ़ी के सांसद, दूसरे टर्म में वो 1 लाख वोट नहीं ला पाए और वो जब तीसरी बार चुनाव लड़ने आए तो 5 लाख से अपनी जीत का दावा ठोक दिए. तो और उनको ये नहीं पता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के घर घर में बिजली पहुंच चुका है. अब लालटेन कहीं एगो दूगो कहीं गांव में जलता है और वो 5 लाख की उम्मीद कर रहे थे कि हमको वोट मिलेगा. अरे घर गाँव से तो 5 को वोटे उनको पड़वे किया जहाँ 5 गो लालटेन बचल था, बाकी तो हर घर में बिजली था और सब नरेंद्र मोदी नीतीश जी के नाम पर. अब पुनः नरेंद्र मोदी बने इसके लिए NDA को वोट. पिंटू जी, लेकिन आपकी परिस्थिति बड़ा डिफरेंट डिफिकल्ट थी. आप कहीं से प्रत्याशी भी नहीं थे, प्रत्याशी कोई और था, मैदान से हटा, फिर आप आए, आपके पास समय भी नहीं था. कितनी बड़ी चुनौती थी, कितना कठिन, मैदान में जबरन आपको ढकेल दिया गया, लड़ो? नहीं, कोई जबरन नहीं ढकेला गया. पहले से तो हम ये मेरा 9वां चुनाव था. मेरे पिताजी 2 बार विधायक रहे हुए हैं, मैं खुद 4 बार विधायक. राजनीति पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, आप राजनीति का अनुभव है, लेकिन आप तैयार कोई कैंडिडेट और था ना जी, वो अचानक हट गया, सिंबल वापस कर दिया, अचानक आपको मैदान में उतारा गया, तो टफ तो हो ही जाता है ना लास्ट आवर में. हाँ, ये कहा जा सकता है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास था कि जब हमारे नेता ने मुझ पर विश्वास करके मुझे भेजा है यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है. और लोगों को नहीं दिख रहा था, हम लोग फर्स्ट डे से मान रहे थे कि 2014 में नरेंद्र मोदी की आंधी थी और 2019 में नरेंद्र मोदी की सुनामी थी. ये बहुत कम लोग जान पा रहे थे और हम लोग बार बार बोल रहे थे कि कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई नहीं होगा. देश की आधी आबादी मन बना चुकी है फिर से एक बार नरेंद्र मोदी. और शुरू में 1-2 दिन लगा ऐसा ज़रूर, क्योंकि अचानक कोई पहले से तैयारी नहीं थी, परंतु 2 दिन के अंदर में दोनों दल के कार्यकर्ताओं ने जो हाथों हाथ में लेकर और पूरी चुनाव की बागडोर संभाल ली तो कहीं भी कोई लड़ाई फिर दिख नहीं रही थी. लेकिन शुरू में तो आपके लोग भी आपके विरोध में थे, आपके विरोध कर रहे थे, लेकिन अचानक परिस्थिति कैसे बदल गई, पिंटू जी ने कैसे बदला? नहीं, विरोध कोई नहीं थे. देखिए, हर आदमी राजनीति करने वाले लोगों की इच्छा होती है कि हम MLA MP बने. जो MLA है वो MP बनना चाहता है, तो स्वाभाविक बात है कि जो भी वहाँ अन्य उम्मीदवार की अपने दावेदारी दे रखी थी उनको 2 दिन लगा कि अचानक ये दूसरे दल से आके हमारे दल में अगर इन्होंने टिकट लिया है तो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदवारी होनी चाहिए थी जो नहीं हुआ. तो परंतु बाद में उन लोगों को सभी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात किया और उन लोगों को समझाया कि हमने किस कारण से वो जो छोड़ा अचानक तो हमने इनको लड़ाया है. तो फिर वो लोग भी समझे और सब आदमी लगे. अगर सब माननीय और सभी अपने दोनों दल के अगर लोग नहीं लगते तो 6 विधानसभा में इतनी बड़ी बड़ी बढ़त नहीं होती. लेकिन ये कैसे हुआ, सब लोग जानना चाहते हैं कि आपके JDU के प्रत्याशी ने अपना सिंबल वापस कर दिया, फिर आप BJP से JDU में आ गए, फिर आपको सिंबल मिल गया, आप मैदान में खड़े हो गए, डट गए. JDU के जो प्रत्याशी पूर्व थे वो डॉक्टर वरुण जी थे, उनका बहुत अच्छा वहाँ नर्सिंग होम चलता है और बहुत अच्छे वो सर्जन हैं. और कहा जाता है कि भगवान न करे किसी को गोली लगे, अगर लग जाए गोली तो भगवान पर के पास जाते जाते उस आदमी को रास्ते से लौटाने की इतनी बड़ी क्षमता डॉक्टर वरुण में थी. उनके यहाँ जो पेशेंट गया है गोली लगा हुआ वो जिंदा लौट के घर आया. उनको लगा कि 4 दिन क्षेत्र में घूमने के बाद कि या तो मैं जनता के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा या फिर मैं अपने नर्सिंग होम का न्याय नहीं कर पाऊँगा, तो दोनों में से किसी एक को चुनाव करना चाहिए. तो उन्होंने अपने पेशे को चुना और उन्होंने राजनीति से अपने को साइड किया. अब क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए, क्या प्राथमिकता है? उसके बाद मैं इस बात को पूरा कर लूँ कि उसके बाद अच्छा, उससे पूर्व जब उनको टिकट मिला तो सीतामढ़ी के सारे माननीय लोगों ने एक बैठक करके
और उन लोगों ने, माननीय देवेश चंद ठाकुर जी ने पहला टीवी के सामने अपना इंटरव्यू दिया कि किसी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए था, चाहे सुनील कुमार पिंटू को क्यों न मिल जाए। तो पहला दिन ब्राह्मण के मुख से मेरा नाम निकला। डॉक्टर वरुण जी ने जब टिकट छोड़ा तो मेरा नाम लिख कर दे दिया। तब उसके बाद अचानक मुख्यमंत्री जी को लगा कि इसी आदमी का नाम सब बोल रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, देवेश चंद ठाकुर से मेरी बात हुई थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि 14 करोड़ में टिकट बेच दिया गया है डॉक्टर को। अगर कोई कार्यकर्ता लड़ता तो हम विरोध नहीं करते, और उसमें पिंटू जी का नाम भी लिया था। तो आपको लगता है कि ब्राह्मण मुख से निकला नाम और लह गया? एकदम, मैं मानता हूँ। लोग कहते भी हैं कि कोई भी शुभ काम करना हो तो पहले ब्राह्मण के मुख से इजाज़त ले लेनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि ब्राह्मण के मुख से पहला मेरा नाम निकला, वो मुझको सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और मुख्यमंत्री जी को भी लगा कि ब्राह्मण मुख से निकला हुआ बात को ही सही मानना चाहिए, और उन्होंने मुझे टिकट दिया। क्या करेंगे क्षेत्र के लिए? देखिए, क्षेत्र की समस्याएँ बहुत हैं। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी हर हालत में सीतामढ़ी के अंदर में स्वास्थ्य के जो मेडिकल कॉलेज बनने हैं जल्द बन जाए, ताकि लोगों को मुजफ्फरपुर पटना न जाना पड़े। शिक्षा की जो व्यवस्था में जो कमी है उसको पूरा किया जाए। सीतामढ़ी से डायरेक्ट ट्रेन चले, अभी जो भी ट्रेन दरभंगा मुजफ्फरपुर से है उसको तत्काल नई ट्रेन चालू होने में जो समय लगे, इन जगहों की एक दो ट्रेनों को सीतामढ़ी तक का एक्सटेंशन किया जाए। और सीतामढ़ी में सबसे बड़ी समस्या है लखनदेई में पानी। उस लखनदेई के पानी के जो बीच में काम रुक गए हैं, उस काम को लगाना, और अनेक समस्याएं हैं। राम जानकी माता मंदिर करने जा रहा हूं कि सबसे बड़ी एक चीज़ और है कि सीतामढ़ी प्रकट स्थली है माँ सीता की। पूरी दुनिया राम जी को जानती है सीता राम के नाम से। जब तक सीता नहीं जुटा तब तक लोग राम को नहीं जाने। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से मिलकर, यहाँ उस विभाग के मंत्रालय से मिलकर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अयोध्या से कम स्थान सीतामढ़ी का ना हो। सीता तब फिर अयोध्या का राम हो, तब जाकर देश में लगे कि सीता राम के नाम के साथ उचित न्याय हुआ। तो आपने सुन लिया सांसद का बहुत बड़ा ऐलान। जी हाँ, अयोध्या से ज्यादा महत्व देंगे अपने सीतामढ़ी को, क्योंकि माता सीता का प्रादुर्भाव वही हुआ था। और आप जानते ही हैं कि सीता किसी गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, वहाँ की मिट्टी से पैदा हुई थी, और माता जानकी मंदिर उपेक्षित है। तो सांसद भरोसा दिला रहे हैं कि अयोध्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान बनेगा सीतामढ़ी। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।